तो दोस्तों, सबसे बड़ी कंपनी एमएन सिंह कंपनी में जो है सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती निकली हुई है। अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है सिक्योरिटी गार्ड की, तो आप जो है बड़ी कंपनियों में काम करें, तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका आने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है फायरमैन कम सिक्योरिटी गार्ड ओपनिंग इन एमएनसी ओन कंपनी। तो दोस्तों, एमएनसी कंपनी में जो है वैकेंसी निकली हुई है, ये यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, दिया गया है एसजीएम प्लेसमेंट एंड पर्सनल सर्विसेज। यानी कहा जाए तो दोस्तों, ये जो भर्ती होगी आपको एसजीएम प्लेसमेंट एंड पर्सनल सर्विसेज के तौर पे आपको एमएनसी कंपनी में आपको भर्ती दिया जाएगा। दोस्तों, यही भी बात करते हैं, एक्सपीरियंस की बात करते हैं, यानी एक्सपीरियंस आपको इसमें कितना लगेगा। देखिए दोस्तों, इसमें एक्सपीरियंस आपको एक साल से लेके छः साल तक मांगा गया है। वहीं पे ओपनिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे दो जो है वैकेंसी खाली हुई है सीट, और यहाँ पे ये जो लोकेशन होने वाला है, यानी कहा जाए तो दोस्तों, अगर आप इस एमएनसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की काम करना चाहते हैं, तो ये कहाँ पे करेंगे? तो सो गाइज, ये जो कंपनी है एक जो है मुंबई में है, और वहीं पर आपको काम करने का मौका दिया जाएगा। दोस्तों, सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पे 1.5 लाख से लेके 2,75,000 रुपया पर ईयर सैलरी मिलेगी। मस्ट हैव की स्किल की बात करते हैं, तो आपको की स्किल फायर सेफ्टी मैनेजमेंट का रहना आवश्यक है। अदर की स्किल की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए फायर प्रोटेक्शन, फायर प्रिवेंशन, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, फायर एक्टिविटीज, सिक्योरिटी डिफेंस, फिजिकल सिक्योरिटी, फायर सेफ्टी गार्जियन, सिक्योरिटी ऑपरेशन, मिलिट्री। तो इतना जो आपके पास अदर की स्किल रहना आवश्यक है, तभी आप इस कंपनी में भाग ले सकते हैं। दोस्तों, जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, तो देखिए दिया गया है व्हाट यू विल डू, द कैंडिडेट शुड हैव अ सर्टिफिकेशन इन फायर सेफ्टी मैंडेटरी। यानी कहा जाए तो अगर आप सिक्योरिटी गार्ड में काम करना चाहते हैं, तो आपके पास भी फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट रहना आवश्यक है। दोस्तों, शुड बी रेडी टू वर्क इन सिक्योरिटी टीम, लोकेशन इन मुंबई, एंड शिफ्ट विल बी रोटेशनल, मिनिमम 1 ईयर प्लस एक्सपीरियंस। यानी कहा जाए तो इसमें आपको जॉब लगेगी, तो दोस्तों आपको इसमें रोटेशनल शिफ्ट लगेगा, यानी अलग अलग टाइम में आपका अलग अलग शिफ्ट हो सकता है। मिनिमम आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस रहना आवश्यक है। सैलरी विल बी 23,000 से लेकर 20,000 तक आपको इन हैंड में आपको पेमेंट मिलने वाला है। दोस्तों, रिक्वायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल की बात करते हैं, तो देखिए जॉब लोकेशन इज एट मुंबई, नबी मुंबई लैंड, बांद्रा मुंबई, कॉल व्हाट्सएप शबनम। यानी कहा जाए तो अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं, तो आप जो है कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इंटरव्यू 8 जून 11 AM ऑनवर्ड्स इन मुंबई। यानी कहा जाए तो दोस्तों, इसमें अगर आप अपना रिज्यूम भेजते हैं, तो आपको जो है 8 जून को जो है यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा नबी मुंबई में। दोस्तों, पर्क एंड बेनिफिट की बात करते हैं, तो इसमें आपको मिलेगा बेनिफिट PF ग्रेजुटी एंड 50K मेडिक्लेम। तो इतना जो आपको बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, इंडस्ट्री टाइप प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग है। वहीं पे फंक्शनल एरिया की बात करते हैं, तो सिक्योरिटी सर्विसेज रोल जो है सिक्योरिटी सुपरवाइजर की करना है। यानी कहा जाए तो इसमें आपको सिक्योरिटी गार्ड प्लस सुपरवाइजर को दोनों इसमें आपको काम मिल सकता है। एम्प्लॉयमेंट टाइप जो है आपका इसमें परमानेंट होने वाला है। दोस्तों, ग्रेजुएशन की बात करते हैं, तो इसमें आपको ग्रेजुएशन भी चलेगा। जरूरी है कि आप मैट्रिक इंटर किया है तो आप इसमें जा सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी है, तो आप इसमें जा सकते हैं, अच्छा खासा काम कर सकते हैं, और अच्छा खासा सैलरी उठा सकते हैं। रिक्वायरमेंट डिटेल्स की बात करते हैं, तो रिक्रूटर डिटेल्स यहाँ पे मिस्टर अजाज सिद्दीकी है, डायरेक्टर एचजीएम प्लेसमेंट पर्सनल सर्विसेज मुंबई। यानी कहा जाए तो डायरेक्टर है, और ये जो है आपको इंटरव्यू लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप जो है डायरेक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से आप अप्लाई करके इस कंपनी में भाग ले सकते हैं। दोस्तों, यहीं पर बात करते हैं अबाउट कंपनी की, तो देखिए दोस्तों, रेपुटेड एस्टेब्लिश एमएनसी कंपनी, हेडक्वार्टर एट नबी मुंबई एंड मुंबई, कंपनी नेम एसजीएम प्लेसमेंट एंड पर्सनल सर्विसेज, हेडक्वार्टर मुंबई एंड नबी मुंबई। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये सारी जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको कोई भी इस जॉब के लिए पैसा मांगता है, तो आप जो है बिल्कुल न दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो है फेक पैसा मांगकर आपको कॉल भी नहीं उठाते हैं।